आज का श्लोक नंबर 38 अध्याय 4। यूं तो श्रीमद् भगवद गीता का कोई भी श्लोक किसी दूसरे से कम नहीं है, फिर भी क्या करें, भगवद गीता का एक एक श्लोक आकर्षित करके अपने आप में विलय कर देता है। श्लोक कहता है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विंदन्ति। इस संसार में ज्ञान के समान, अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर का, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। इस श्लोक के मूलतः है, मैं अपनी दृष्टि से, गीता की दृष्टि से नहीं, जो समझ विकसित हुई है, इसके चार भाग हैं मेरी अपनी समझ के अनुसार। जो पहला भाग है वो बहुत बड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा है न ही ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के समतुल्य, ज्ञान के सदृश, सदृशम माने उसके समतुल्य, उसकी बराबरी में, इन कंपैरिजन टू इट, इक्विवेलेंट टू दैट, नथिंग कैन स्टैंड इन कंपैरिजन टू द नॉलेज, नथिंग, उसके सदृश कुछ नहीं ठहर सकता, क्योंकि नॉलेज इज द अल्टीमेट, ज्ञान सर्वोपरि है, ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं है। और यह बात सत्य थी कि नहीं थी, पर इस काल वर्तमान में तो यह बात बिल्कुल सत्य दिखती है। पिछले काल में क्या रहा क्या नहीं रहा आज तो हमें याद नहीं, पर आज हमें याद है। चारों ओर अगर किसी बात कि बहुत गूंज है चारों ओर, आप कहीं भी देख लीजिए, हर शक्ति के पीछे आज ज्ञानी है। वो समय समाप्त हो गया जब केवल उस व्यक्ति को महत्व था जिसके पास बहुत सोना चांदी इत्यादि, बहुत धरती इत्यादि, बहुत सेना इत्यादि, बहुत कुछ इन स्वरूपों में होता था। आज तो जहां देखो द अल्टीमेट पावर इज नॉलेज, टेक्निकल एडवांसमेंट अगर मिलिट्री में आपकी ज्यादा है तो आपकी सेना की संख्या का महत्व समाप्त है। आपकी सेना थोड़ी सी भी है पर टेक्नोलॉजिकली इफ यू आर एडवांस्ड तो पूरा विश्व आपके सामने नतमस्तक है। इट गोज फॉर इवन द कॉम्बैट फोर्सेस। यही बात आप व्यापार में देख लीजिए, टेक्निकल इनोवेशन जहां कहीं भी है, जिस किसी भी क्षेत्र में है, द सेम गोज फॉर एनी एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, बी इट हेल्थ, बी इट टीचिंग, व्हाटएवर। Knowledge is the ultimate power in this world today and nothing withstands, उसके सामने कुछ नहीं, सदृशम कुछ नहीं है। आज ज्ञान के सदृश कुछ नहीं है। जू जू काल बदलता है, काल स्वर्णिम होता है, ज्ञान सर्वोपरि होता जाता है। यह श्लोक का केवल पहला भाग मैंने लिया और यह बात हमें समझ लेनी चाहिए। हालांकि जिस ज्ञान की चर्चा यहां की गई है उस पर हम बाद में आएंगे, पर क्योंकि लौकिक दृष्टि से वी आर कॉमन पीपल, वी आर ऑर्डिनरी पीपल, एज ए ऑर्डिनरी पर्सन व्हेन आई ट्राई टू इमेजिन एंड रिलेट माई सेल्फ विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द श्लोका, इसके पहले भाग के साथ जब मैं अपने आप को जोड़ता हूं, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, तो मैं पाता हूं कि सत्य है कि मेरे आसपास आज ज्ञान के समतुल्य कुछ नहीं है। ज्ञान की बराबरी आज कोई नहीं कर रहा,
knowledge is the ultimate power today. आज पैसा पीछे छूट गया है, आप चाहे लिंक्डइन पर चले जाएं या किसी पर भी चले जाएं, टैलेंट हंट की जब बात आती है, रिक्रूटमेंट की बात आती है, तो किस बात के पैसे देते हैं हम लोगों को, जो सैलरी पैकेजेस इत्यादि इत्यादि, व्हाट इज योर टेक अवे होम एटसेट्रा की बातें जब करते हैं, तो वो किस पर आधारित है? योग्यता किसे कहते हैं? व्हेन वी टॉक अबाउट द कैपेबिलिटी और द एबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज इट? जब हम कहते हैं कि इसका अनुभव क्या है, व्हाट इज दैट एक्सपीरियंस? इजंट इट अ नॉलेज? नॉलेज इज पेड, नॉलेज इज रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे. आज इस काल में, मैं आज की बात कर रहा हूं, जब मैं आसपास देखता हूं, जब मैं अपने व्यवसाय में भी देखता हूं, तो जहां कहीं भी देखो वहां ज्ञान ही सर्वोपरि हुआ पड़ा है. ज्ञान से ऊपर कोई नहीं है. अल्टीमेट इज नॉलेज. बल्कि ज्ञान की वजह से कई बार बहुत सारी कंपनियों को बौने लोग भी रखने पड़ते हैं अपने पास. अंतःकरण से अगर बौने भी हों, पर इफ दे नो हाउ टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशंस, तो उनका बौनापन भी स्वीकार कर लेते हैं. कुछ भी है यार, संभाल ले तो लेता है ना जी, वो आदमी तो बड़ा ईमानदार है. ईमानदार तो है, क्या करूं, अचार डालूं, जरा सी क्रिटिकल प्रॉब्लम आती हाथ खड़े कर देता है, खुद भी घबराते हैं, हमें भी घबराहट डाल देता है. इसको रख मालूम है ठीक नहीं है, और क्या करें, सिचुएशन हैंडल कर लेता है. व्हाट इज हैंडलिंग द सिचुएशन? इट्स अगेन नॉलेज. All abilities of human being, whether it experience, whether it is processing of information, whether drawing the inputs from intuition, whether it is reconstituting through creativity, कुछ भी कह लीजिए साहब, रचनात्मकता कहिए, कुछ भी कहिए, नवीनता का अवतरण कहिए, खेल तो ज्ञान का ही है ना. It's knowledge. इट्स नॉलेज डांसिंग एवरीवेयर. पेटीएम से लेकर के एमेजॉन से लेकर के और जितने भी हमारे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, उबर ओला से लेकर के, क्या नाच रहा है? किसके माध्यम से ये सुगमता आई है? द लाइफ हैज बीन मेड मोर कंफर्टेबल ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट? गाड़ियां तो, टैक्सियां तो पहले भी थी, सामान तो बाजारों में दुकानों में पहले भी पटा पड़ा था. नॉलेज नहीं, ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के समतुल्य कुछ नहीं है इस दिखने वाले लोक में, कुछ नहीं है. हालांकि जो ब्रह्म ऋषि है, जिसने इस श्लोक को रचा है, वो केवल इतनी छोटी सी बात की स्थापना के लिए ये बात नहीं कह रहा, उसका ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है. पर ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव को भी देखते हैं, पर वी आर ऑर्डिनरी पीपल. एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, पहले मैं अपने सामान्य जीवन के साथ तुम्हारे ज्ञान को व्यास रिलेट करने की कोशिश करूंगा. पहले जानने की चेष्टा करूंगा क्या तुम्हारी बात मेरे सामान्य जीवन के साथ कहीं जुड़ती है. अगर जुड़ती है, ओके, वंस आई एक्सेप्ट इट, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं और फिर तुम्हारी दूसरी बात भी सुनता हूं. क्योंकि तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान की चर्चा से पहले मुझे जीवन की विषमताओं से भी सामना करना है, तो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी कि पहले मैं तुम्हारी बात को अपने सामान्य जीवन से रिलेट करूं. अगर वो ठीक बैठती है तो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सीधे रॉकेट साइंस की बात समझ नहीं आती ना. जब तक सामान्य सब्जी दूध के भाव तोल मनुष्य के जीवन में ठीक ना बैठ रहे हों, तो रॉकेट साइंस को क्या करना सुन करके. अमेरिका ने रॉकेट छोड़ा, वो छोड़ा होगा. बात वहीं आ जाती है, प्याज बहुत महंगा है. बिकॉज कॉमन पर्सन, ऑर्डिनरी पर्सन इज ऑलवेज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय डे टू डे डिस्पेंसेशन. तो नहीं ज्ञान सदृशम, ज्ञानेन सदृशम. ये बात हमें विशेष रूप से संतति को भी समझानी होगी, अपने आप को भी, क्योंकि नॉलेज इज द अल्टीमेट रिसोर्स. इट हैज ऑलवेज रिमेन्ड द अल्टीमेट रिसोर्स. और इस रिसोर्स की मान्यता जब जब कम हुई है,
तब तब पृथ्वी काले युग की ओर, पिछड़े युग की ओर गई है। जब जब ज्ञान का महत्व बढ़ा है तब तब पृथ्वी और मनुष्य का उत्कर्ष हुआ है, हम आगे की ओर बढ़े हैं, और जब जब इसका महत्व कम हुआ है तब तब हम पीछे की ओर गए, पिछड़ते चले गए हैं। तो ऋषि ने पहले ही श्लोक में बहुत सुंदर बात कर दी, नहीं ज्ञानेन सदृशम। वस्तुतः हर विद्यालय की पंक्ति यही होनी चाहिए जहां विद्या अर्जन होता है, कि ज्ञान के समतुल्य कुछ नहीं है। और यह बात समझानी भी चाहिए कि व्हाई इज इट सो, देयर इज नथिंग दैट स्टैंड्स इन कंपैरिजन टू द नॉलेज। अनलेस यू हैव नॉलेज यू आर इनकंक्लूसिव। छोटी सी बात, ऐसी बात जो मुझे नहीं पता थी लेकिन मुझे पता लगी, लंबा प्रकरण नहीं कहूंगा। मुझे पहली बार यह बोध हुआ कि शैलो फ्राई में कम तेल ज्यादा तेल लगता है, डीप फ्राई में कम तेल लगता है। इतनी उम्र हो गई, हम आज तक यही समझते थे कि कोई चीज डीप फ्राई करो उसमें बहुत तेल लगता है, और शैलो फ्राई जैसे पराठा वगैरह जो तवे पर आप तलते हो उसमें कम घी लगता है। अब ये पहली बार मेरे सामने आया कि डीप फ्राई में बहुत कम तेल लगता है, जबकि आंखों से देखकर मानने का मन नहीं होता, पर यह बात पता लगी उन एक्सपर्ट्स के द्वारा जिन्होंने जीवन गला दिया है इस विद्या में। बट इट्स अ न्यू रिवेलेशन कि शैलो फ्राई विल कंज्यूम मोर ऑयल इन कंपैरिजन टू डीप फ्राई, क्योंकि डीप फ्राई में वो टेम्परेचर इतना हो चुका होता है कि कोई भी चीज डालो वो सबसे पहले उसके आउटर लेयर को डालते ही पकड़ करके पका देती है, अंदर तेल नहीं जा पाता, वो इंसुलेशन तैयार हो जाता है। शैलो फ्राई में रिस के जाता है, रच पचता है, आप हर चीज को रचा पचा के तेल पिलाते हो। बट दिस वॉज नॉट ईजी फॉर मी टू बिलीव, क्योंकि आंखें जो देखती हैं उसमें तो डीप फ्राई में तो देखते हैं, तेल में नाच रही हैं चीजें। नॉलेज इज द अल्टीमेट रिसोर्स, इट रिवील्स मैनी थिंग्स, इट रिवील्स मैनी थिंग्स। हर चीज के बारे में एक नया बोध ये ज्ञान देता है, और यही बात ऋषि ने इस पहले वाक्य में कहने की चेष्टा की है। यह समझने का विषय है, और ज्ञान प्राप्त, ज्ञान को ठीक रूप से प्रयोग कर पाना, वॉट एवर यू नो, हाउ टू राइटियसली जुडिशियसली यूटिलाइज दैट नॉलेज, ये उससे भी बड़ा एक ज्ञान है, ये भी ज्ञान है। बहुत से लोग बहुत कुछ जानते हैं, एक जैसे कोर्स अटेंड करते हैं, एक जैसे क्लासेस अटेंड करते हैं, बट डिफरेंट पीपल कंक्लूड डिफरेंटली, एक ही चीज को जानने के बाद पृथक रूप से बात करते हैं। और यह अनुभव हमें बहुत होता रहता है कि अलग अलग लोग एक ही प्रकार के ज्ञान को अलग अलग रूप से प्रोसेस करते हैं, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, आर्किटेक्चर हो, मेटलर्जी हो, कोई भी काम क्यों ना हो, डिफरेंट पीपल कंक्लूड डिफरेंटली। व्हेन डिफरेंट पीपल कंक्लूड डिफरेंटली तो वो किस पर आधारित है, वो भी ज्ञान पर आधारित है। अगर सब कुछ ज्ञान पर आधारित ना होता, नहीं ज्ञानेन सदृशम, नहीं ज्ञानेन सदृशम, नहीं ज्ञानेन सदृशम, देयर इज नो कंपैरिजन टू नॉलेज एंड नॉलेज एंड नॉलेज। और नॉलेज अपनी परतें उतारती जाती है, पहले नॉलेज होना, फिर नॉलेज को प्रोसेस करके ठीक तरह से कंक्लूड करना, और फिर अपने कंक्लूजन्स को ठीक रूप से, कल्याणकारी रूप से लोगों तक प्रसारित करना। मुझे पहली बार पता लगा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर छोटी छोटी जो हम पोस्ट डालते हैं उसके लिए भी एक ज्ञान की पूरी एकेडमी है। इफ यू रियली वांट टू मार्क समथिंग, हालांकि मैंने वो पढ़ाई नहीं की, पर मुझे सामने ये तथ्य आया कि जस्ट टू मार्क योर प्रेजेंस थ्रू सोशल मीडिया देयर इज ए कंप्लीट एकेडमी दैट टीचेस यू हाउ टू टेक सिंपल क्लिक्स विद अ कैमरा, हाउ टू प्रोसेस दैट फोटोग्राफ इन सच अ मैनर, गिव अ ब्लो अप और वट एवर, सो दैट यू मार्क योर प्रेजेंस बिफोर द साइट ऑफ द पीपल। एवरी स्मॉल निटी ग्रिटी इज अ ग्रेट लर्निंग टू कास्ट इंपैक्ट, प्रभाव डालना है, हर छोटी चीज का महत्व है। वॉट इज दैट छोटी चीज, नॉलेज।
नॉलेज 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 जब नॉलेज आ जाती है तो फोटो खींचने का तरीका भी बदल जाता है, फोटो को क्रॉप करने का तरीका बदल जाता है, फोटो को प्लेस करने का तरीका बदल जाता है, फोटो पे दो पंक्तियां लिखने का तरीका बदल जाता है, हर चीज बदल जाती है। और फिर उसके बाद देयर इज लॉट ऑफ लर्निंग लॉट ऑफ लर्निंग लॉट ऑफ लर्निंग नहीं ज्ञानेन सदृशम नहीं ज्ञानेन सदृशम ज्ञान के समतुल्य कुछ भी नहीं है। आज तो वो व्यवहारिकता से सत्य है। अगर मनुष्य के पास ज्ञान है तो उसके पास सब कुछ है। सही मामले में देखा जाए, आई एम गोइंग अ स्टेप फॉरवर्ड, क्योंकि मैं इस वाक्य पे बहुत जोर देना चाहता हूं। अब इफ आई गो स्टेप फॉरवर्ड, व्हाट इज नेटवर्किंग, व्हाट इज नेटवर्किंग, इट इज नॉलेज, नेटवर्किंग इज नॉलेज। आप व्यक्ति को मिलते हो, मिल करके अपनी छाप छोड़ते हो, उसकी पूरी स्मृति अपने भीतर अंकित करते हो और अपने आप को स्मरण कराते हो कि इसके सामने मुझे बार बार जाना है, इसके बर्थडे पर, इसकी एनिवर्सरी पर या फला डिम का मुझे फिर से प्रस्तुत होना है, मुझे बांध के रखना है, जोड़ के रखना है, मेरे संपर्क में इतने लोग हैं, अमुक काम पड़ने पर अमुक लोगों तक मुझे तत्काल पहुंचना है। व्हाट इज दैट नॉलेज? नेटवर्किंग इज नॉट ए पीस ऑफ क्लॉथ, नेटवर्किंग इज नॉट ए पीस ऑफ गोल्ड, मैंने पहना नहीं है, आपने पहना देख लीजिए, नेटवर्किंग इज नॉट अ पीस ऑफ सिल्वर, नेटवर्किंग इज नॉट अ पीस ऑफ वुड। व्हाट इज नेटवर्किंग? नेटवर्किंग इज नॉलेज, द अंडरस्टैंडिंग इटसेल्फ इज नॉलेज, फॉरगेट अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स। ये समझ होना कि मुझे नेटवर्किंग करनी है जो आज की सफलता का आधार बन गया है, मनुष्य की सफलता का आधार बन गया है, मीडिया के द्वारा डाले गए पूरी पूरे राष्ट्र पर या पूरी पृथ्वी पर प्रभाव, ज्ञान का ही तो खेल है। नहीं ज्ञानेन सदृशम, कभी नहीं रहा इससे ऊपर कुछ नहीं, कभी भी नहीं रहा, क्योंकि इसी से सारी उत्पत्ति है। अगर इससे उत्पत्ति नहीं होती तो रीटरेशन गोज अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। गीता का सार, गायत्री, धियो यो नः प्रचोदयात्। ड्राइव माय इंटेलेक्ट, ड्राइव माय इनसाइट, मुझे प्रकाशित करो, मुझे ले चलो सन्मार्ग की ओर। नॉलेज तत् सवितुर वरेण्यम, सविता, व्हाट इज सविता? सविता इज लाइट, लाइट मींस नॉलेज। तमसो मा ज्योतिर्गमय, व्हाट इज लाइट? लाइट इज नॉलेज। जब तक ये नहीं है, बाहर भी अगर मान लो अंधेरा तो अंधकार है, कुछ किसी को प्रतीत नहीं हो रहा, तो क्या है ये? ये ज्ञान का स्थूल स्वरूप है। अगर इस बल्ब की व्याख्या ठीक से करनी हो व्यवहारिक रूप से, तो क्या है ये बल्ब? क्या है ये? ज्ञान का स्थूल स्वरूप है, क्योंकि इसके आते ही मुझे बोध हुआ कौन कहां बैठा है, हु ऑल आर सिटिंग हियर, कहां कहां बैठा है, चश्मा कहां, पानी कहां। अदरवाइज लाइट चली जाए, बाहर भी अंधेरा हो, तो इसके समतुल्य कोई है क्या फिर? नहीं, नहीं ज्ञानेन सदृशम, इसके समतुल्य कुछ नहीं है। प्रकाश चाहे स्थूल का हो, सूर्य चला जाता है तो अंधकार होता है, प्रकाश चाहे स्थूल का हो, प्रकाश चाहे सूक्ष्म का हो थॉट्स का, और प्रकाश चाहे कारण का हो, कारण माने वो कारण जिसके कारण उत्पत्ति है ब्रह्म ज्ञान, जहां ये जाना चाहता है और अभी हम नहीं गए, प्रकाश ही ज्ञान है, इसके कोई कंपैरिजन में ठहरता ही नहीं है। नई टेक्नोलॉजी, नई इनोवेशन, पावर सेविंग टेक्नोलॉजीज, पावर सेविंग बल्ब इज आउटकम ऑफ व्हाट? किसी एक बल्ब ने दूसरे बल्ब को पैदा नहीं किया, बल्ब बनाने वालों ने ही बल्ब को पैदा किया, बल्ब बनाने वालों ने बल्ब को और एक्स्ट्रा एनर्जी सेवर बनाया, बल्ब बनाने वालों ने लाइट पूरी दे दी, एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम कर दी। व्हाट इज इट? नहीं ज्ञानेन सदृशम, एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। एंड द लास्ट थिंग वी वांट टू स्पेंड ऑन इज नॉलेज। मनुष्य सबसे कम किस पर खर्च करना चाहता है? ज्ञान पर। ज्ञान फ्री में मिलना चाहिए, नॉलेज तो फ्री में होनी चाहिए। हर वो चीज जिसका महत्व है उसके पैसे, और हर वो चीज जिसका महत्व नहीं हो फ्री में होनी चाहिए, और ज्ञान उनमें से एक आता है कि नॉलेज शुड बी फ्री।
नॉलेज के कौन पैसे लेता है, इसके भी पैसे होते हैं. दैट शोज हाउ मच इंपॉर्टेंस वी गिव. इसलिए मैं सवाल पूछता हूं, किसी शहर के विषय में जानना हो तो केवल एक बात वहां पूछने की चेष्टा करो. युग बदला नहीं है, युग बदला नहीं है. डिजिटल वर्ल्ड कितनी भी क्यों ना एक्सप्लोड हो जाए, महत्व इस पृथ्वी पर सबका रहेगा. इस पृथ्वी से ना तो कैमरे का महत्व गया, इस पृथ्वी से ना रेडियो का महत्व गया, इस पृथ्वी से ना तो घड़ी का महत्व गया. एवरीथिंग होल्ड्स इट्स प्लेस. और इस पृथ्वी से छपी हुई पुस्तकों का महत्व जाने वाला नहीं है. किसी शहर के विषय में जानना हो तो मूल्यांकन करना शुरू करो. या खाने पीने की दुकानें कितनी हैं, यू विल कम टू एन आइडिया. या ज्वेलर्स कितने हैं, यहाँ लकड़ी की दुकानें कितनी हैं, यहाँ पत्थर की दुकानें कितनी हैं, यहाँ कपड़े की दुकानें कितनी हैं. फिर लास्ट में पूछो यहाँ बुक शॉप्स कितनी हैं. स्कूल वाली नहीं, स्कूली किताबों की दुकानें इसलिए हैं क्योंकि मजबूरी है, बच्चे पढ़ाने हैं, बिना किताबें स्कूल जा नहीं सकते तो दुकानें ज़रूरी हैं ना. वो ज्ञान जो हमें विकसित कर सकता है स्कूल कॉलेज के पश्चात, उसकी किताबें कितनी हैं. तो आपको पता लगेगा कि आपके शहर की जनसंख्या वो नहीं जहाँ केवल पाठ की किताबें, आरती की पुस्तकें दो चार रखी हैं, साथ में दो घंटियाँ भी रखी हैं, वो नहीं. तो आपको पता लगेगा कि आपके पूरे शहर में आबादी 5 लाख, लेकिन एक बुक शॉप भी नहीं है. एक आदमी कहेगा है ना वो बुक शॉप, वो फलाने वाली, तो दूसरा कहेगा 80% तो उसमें गिफ्ट रखे हुए, गिफ्ट शॉप है, वो बुक शॉप नहीं है, वो गिफ्ट शॉप है. 5 लाख की आबादी में, 7 लाख की आबादी में ज्यादा नहीं, दिल्ली से शुरू होने के बाद अगर 4 मुख्य शहर पड़ते हैं तो 4 मुख्य शहर की जनसंख्या और ये अनुमान लगाइए वहाँ कितनी ऐसी बुक शॉप्स हैं. तो पता लगेगा कि अभी महत्व होते हुए भी हमने जाना नहीं है, ना ही ज्ञाने न सदृशम, अभी व्यवहारिकता में नहीं आया है. क्यों? क्योंकि जैसे ही बुक शॉप खोली जाती है वो बेचारी बिक जाती है, वो चली नहीं पाती है, उसको पोसना पड़ता है. मैंने खुद देखा है बड़ी बड़ी बुक शॉप्स को जिन्होंने ना ही ज्ञाने न सदृशम को लेकर आगे चलने की कोशिश की, 1 साल के बाद उन्हें बंद करना पड़ गया क्योंकि पीपल डोंट वॉन्ट, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर इट. सब पता है, सब पता है, सब पता है, सब पता है. एंड ऑफकोर्स द वीडियो प्लेटफॉर्म्स ऑन द डिजिटल वर्ल्ड आर इक्वली डिसेमिनेटिंग नॉलेज, वो भी ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं. पर फिर भी हर चीज का महत्व है. मनन के लिए प्रेरित ये कराती है. अगर आपको ज्ञान के साथ जुड़ करके मनन करना है तो वीडियो को रिप्ले करके आसान नहीं है. बुक सामने चाहिए एंड यू वॉन्ट टू फील इट एंड यू वॉन्ट टू रीड एंड री रीड इट एंड यू वॉन्ट टू कॉन्टेम्पलेट ऑन इट. ना ही ज्ञान है न सदृशम. अगला वाक्य, मैंने कहा मैंने इसके 4 भाग अपनी बुद्धि से किए हैं. पवित्रम एह विद्यते, इसके समान पवित्र करने वाला और कोई नहीं है. पवित्रता से संबंध यहां क्या है? व्हाट डज इट मीन बाय प्योरिटी? यहां पवित्रता का लेना देना उसी बात से है जिसका लेना देना वैराग्य के साथ है. वैराग्य को लोगों ने यह समझ लिया बाबा जी 3 टप्पर उठा के भागने वाला आदमी, जबकि वैराग्य का तात्पर्य कई बार मैंने रिकॉर्डिंग्स में कहा केवल एक ही है, ओनली वन. वैरागी कौन? जिसने एब्सोल्यूट फोकस कर लिया, जो किसी एक विषय पर, किसी एक विचार पर, किसी भी चीज पर केंद्रीभूत हो गया, माने जो एक चीज पर केंद्रित हो गया वो बाकी स्थानों से वैरागी है, वो बाकी स्थानों से वैराग्य को प्राप्त हो गया. मैं नाम नहीं लूंगा पर मैं कुछ कहना चाहता हूं जो मेरे अनुभव में कल आया. छोटी सी उम्र की लड़की, छोटे सी उम्र का लड़का, 22 साल की लड़की, 26 साल का लड़का, शादी हुई, माता पिता ने कराई और दोनों बहुत ही बढ़िया लोग, वेरी नोबल एंड वेरी डिवाइन पीपल, वंडरफुल पीपल. क्योंकि ये संदेश कईयों को जाएगा. लड़का छोटी सी उम्र में ही अपने कैरियर के प्रति बड़ा कॉन्शियस, प्रोग्रामर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, और
ज्यादा ही वैरागी कह सकते हैं क्योंकि शादी को उसकी अभी 4-6 महीने नहीं हुए और वो घर पर उसकी पत्नी की शिकायत की है, हर वक्त प्रोग्रामिंग में लगा रहता है, रात भर प्रोग्रामिंग करता रहता है, किसी वजह से आपस में झगड़ा होता है, लड़की पुलिस कंप्लेंट कर देती है, लड़के को पुलिस आकर के ले जाती है, कोई मारपीट कुछ नहीं होती, बहुत बढ़िया लोग हैं, फिर भी रिएक्शन हो गया। मैं जब मिला उनसे तो मैंने उनसे 2 प्रश्न किए। पहली बात तो मैंने लड़की से पूछा, लड़का कैसा है? कहती बहुत अच्छा है। मैं कहा बाय हार्ट, बहुत बढ़िया। मैंने जानबूझ करके फिर से इसी बात को दोबारा कुरेदा अलग शब्दों में, बाय माइंड बहुत अच्छा है, बाय सोल बहुत अच्छा है, कोई खास कमी उसमें? नहीं। तुम में कोई खास कमी? हाँ। क्या? मैं ओवर रिएक्ट कर जाती हूँ। खैर, मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया लोग हैं। लड़के के साथ मैं बैठा, मैंने कहा जो घटना घटी, तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, कंप्लेंट की इसने, तुम्हें कैसा लग रहा है? कहते सर मुझे तो कुछ विशेष नहीं लग रहा। मैंने कहा सोनीपत दिल्ली में तो सिर फाड़ देते हैं उसके बाद लोग, माँ बाप के भी। कहने लगा सर मुझे कुछ खास नहीं लगा। मैं क्यों? कहते सर सच ये है कि जब मुझे पुलिस वाले लेके गए और जब तक मैं पुलिस स्टेशन में बैठा था, मेरे दिमाग में एक ही बात लगी हुई थी कि मैंने लैपटॉप को पटकार, मैंने तो सारी कोडिंग इतने दिनों की उसी में कर रखी है, हे भगवान वो दोबारा चालू हो जाए, मेरा लैपटॉप दोबारा चालू हो जाए, मेरे को तो चिंता बनी हुई थी। तो मैंने कहा फिर? कहने कुछ नहीं, आकर के उन्होंने लेके गए मुझे घर, तो घर जाकर के मैंने कहा तुमने क्या किया? कहते कुछ नहीं, सबसे पहले लैपटॉप ऑन किया और लैपटॉप ऑन करने के बाद जब वो चालू हो गया, हाँ, मैंने कहा हाँ बताओ हुआ क्या था? मैंने कहा यू आर अ एक्सेलेंट ह्यूमन बीइंग, आई मस्ट टेल यू। मैंने कहा तुम लोगों के 50,000 झगड़े भी होंगे तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, बोथ आर टुगेदर नाउ, इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग फॉर एवरीबडी। तो मैंने कहा तू तो बड़ा पक्का वैरागी है यार, पवित्र भी है वैरागी भी है। मैंने तेरे ऊपर इस घटना का, 4-6 महीने की शादी हुई हो, वो भी अरेंज मैरिज, पत्नी आपको भिजवा दे और आप आके कहो कि मुझे तो बाद में मैंने पूछा कि हुआ क्या था यार, क्यों? क्योंकि मेरे को तो इसके और उसको स्मृति भी नहीं है। आई सेड यू आर रियली प्योर एट हार्ट, क्योंकि पवित्रता का दूसरा नाम फोकस भी है, जो पवित्र नहीं होता वो स्थिर नहीं हो सकता। मनुष्य जब तक पवित्र नहीं होगा वो स्थिर नहीं होगा। स्थिरता की पहली रिक्विजिट है पवित्रता होना। उसी पवित्रता के लिए ही तो सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स। पवित्रता का दूसरा पर्याय है फोकस, क्योंकि जो पवित्र हो जाता है उसमें कोई कंटैमिनेशन नहीं बचता, मिलावट विहीन माने एक सा है, कुछ और अन्यत्र इसमें नहीं है, नथिंग एल्स बट जस्ट इट इज, उसी तो पवित्र कहते हैं। इसकी आत्मा पवित्र है अर्थात इसमें और कुछ नहीं है मिलावट इसमें, और जब मिलावट नहीं है तो एक ही है, और एक ही है माने वो केंद्रीभूत है, वो फोकस्ड है, पवित्र अंतःकरण वाला। और पवित्रता ना ही ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के समतुल्य कुछ नहीं है। पवित्रम इह विद्यते, और ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य पवित्रता को प्राप्त होता है। इसमें ज्ञान दूसरा हो गया। इसमें कौन सा ज्ञान हो गया? इसमें ज्ञान का मतलब यह है जो व्यक्ति जो कॉन्टेम्पलेट करता है, वो व्यक्ति जो मनन करता है, सोचता भी है, वही तो प्रोसेस है। डिटर्जेंट रखने के बाद कपड़े को कहा यह रहा कपड़ा गंदा, यह रहा डिटर्जेंट, भाई तुम दोनों आपस में तय कर लो और आपस में मुझे तो धुला हुआ साफ चाहिए, यह संभव नहीं है। डिटर्जेंट को कपड़े से मिलाना पड़ता है, मनन को ज्ञान से मिलाना पड़ता है। मनन आया हुआ है क्या? आया नहीं है, आया हुआ है? अच्छा, मनन को ज्ञान से मिलाना पड़ता है।
क्योंकि जब तक मनन को ज्ञान से मिलाएंगे नहीं पवित्रता आती नहीं है. मनन माने थिंकिंग, जो भी लेक्चर में सुना जो कुछ भी पढ़ा, जस्ट थिंकिंग इट वंस अगेन, थिंकिंग इट वंस अगेन. दिस गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी कि रब करो डिटर्जेंट से, जूने से बर्तन साफ किया गया. पवित्रता के द्वारा ही मनुष्य, आगे की पंक्ति है, तत् स्वयं योग संसिद्धि. चौथा भी साथ बोलता हूं, कालेन आत्मनि विदन्ति. अब यहां योगी, यहां महर्षि मुनि वेदव्यास हमें ब्रह्म ज्ञान की ओर ले गए हैं. वो कहते हैं कि कर्म योग, यहां क्योंकि कर्म योग की बात हो रही है, ये कर्म संन्यास, ज्ञान कर्म संन्यास योग है. कर्म योग के द्वारा ही मनुष्य को स्वतः ऐसी पवित्रता प्राप्त होती है कि अपने ही भीतर समय रहते, कालेन आत्मनि, कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट नोइंग एवरीथिंग. क्योंकि गीता में बार बार कहने की चेष्टा की है कि मनुष्य के भीतर सब सारा ज्ञान पहले से ही है. नथिंग कम्स फ्रॉम आउटसाइड, एवरीथिंग इज देयर इनसाइड, ऑल टेक्नोलॉजीज आर देयर इनसाइड. और ये बात उन लोगों पर कई बार हमने गुने परीक्षण तो नहीं उतने हो पाए, पर हाँ सुनी जरूर है आधुनिक काल में भी, कि जिस किसी की भी कुंडलिनी जागृत होती है, पंडित का नाम गोपी कृष्ण जी है, उन्होंने विशेष रूप से कहा था, इस पृथ्वी की कोई विद्या नहीं है जो कुंडलिनी जागरण के उपरांत मनुष्य तक पहुंच नहीं सकती. उसे केवल इतना करना है कि कुंडलिनी जागरण के उपरांत उस विद्या के बारे में सोचना है, एंड सारी विद्या आ जाएगी. पंडित जी ने एक पुस्तक लिखी थी, सामान्य से सरकारी कर्मचारी, सामान्य से सरकारी कर्मचारी कश्मीर के, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे लेके अमेरिका गए अपने दोस्त को दी प्रकाशित कराने के लिए. मैं इसका उल्लेख पहले भी कर चुका हूँ. उस उनके मित्र ने, मित्र अमेरिकन था, उनके प्रति श्रद्धा उस मित्र की बहुत थी, क्योंकि कुंडलिनी जागृत जीव थे वो, श्रद्धा तो बहुत थी. पर जैसे ही उन्होंने पुस्तक देखी, उन्होंने कहा कि पंडित जी का लैंग्वेज भी तो कमांड नहीं है, क्योंकि पंडित जी ने इतने बड़े बड़े सेंटेंस लिखे. पंडित जी ने एक एक पैराग्राफ, आधे आधे पेज का पैराग्राफ बिना फुल स्टॉप के पूरा किया था. तो उसने कहा ग्रामर की दृष्टि से तो किताब पिट जाएगी, ये तो ठीक नहीं है. अब पंडित जी काम देके गए हैं, मुझे पूरा करना है. आउट ऑफ हिज रिगार्ड दैट अमेरिकन फ्रेंड, उसने अपने न्यूयॉर्क टाइम्स के किसी बहुत बड़े रिपोर्टर, जो कि बुक्स की एडिटिंग के लिए जाना जाता था, उसको पुस्तक दी और कहा कि यार एक व्यक्ति है जिसके पास डिवाइन पावर्स हैं, दिव्य शक्तियां, और मैं उनसे प्रभावित हूं. पंडित जी ने किताब लिखी है, प्रकाशित करने का दायित्व तो मुझे दे गए हैं, पर मेरे को ये ठीक नहीं लग रही है, तू यार इस किताब को एडिट कर दे. पंडित जी से पूछा एडिट के लिए, तो पंडित जी ने कहते करा ले. उस आदमी ने महीना दो महीने जो भी समय लगा होगा, उसके पश्चात एक नोट बना करके भेजा इनको, इनके मित्र को. प्रोफेशनली सर्विस ली थी उन्होंने, कि मेरे पास हिम्मत नहीं है कि इस पुस्तक में से मैं फुल स्टॉप भी हिला सकूं, बिकॉज ये परफेक्शन, ये पुस्तक और ये लेखनी परफेक्शन का अद्भुत अद्वितीय नमूना है, और ये पंडित जी ही लिख सकते हैं एक एक पैराग्राफ का सेंटेंस जिसको आप छेड़ ही नहीं सकते. ग्रामेटिकली इट इज मोर देन परफेक्ट. कहां से आया? क्योंकि मनुष्य के भीतर वो संपूर्ण ज्ञान, यही कह रहे हैं भगवत गीता, यही कह रही है. पहले वाला वाक्य तो हम लोगों से जुड़ता था, अब कुछ ब्रह्म ज्ञान की चर्चा भी है. तत् स्वयं, अपने आप योग संसिद्धि, कर्म की पवित्रता के द्वारा, कर्मों के योग के द्वारा, कालेन कुछ समय पश्चात या समय बीतने पर, आत्मनि विंदन्ति, अपने आप भीतर ज्ञान आना शुरू हो जाता है. दिस इज सरप्राइजिंग, दिस इज फॉर अस सरप्राइजिंग. जब तक मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा नहीं, मुझे इकोनॉमिक्स आ नहीं सकती, बात ठीक है. पर जिन लोगों के भीतर सिद्धियां जाग जाती हैं, उन्हें इकोनॉमिक्स पढ़ने की फिर जरूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि उनके भीतर फिर इकोनॉमिक्स या कोई भी विषय, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट, वो स्वतः ही आ जाता है.
अपने आप उनके भीतर अवतरित होता है, बट द प्रोसेस एंड प्रोसीजर टू एक्वायर दैट कैपेबिलिटी वो कर्मयोगी है। रास्ता और कोई नहीं है, ड्यूटियां पूरी करके ही ये सिद्धियां मिलती हैं। ऐसा कोई योगी पृथ्वी पर नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, जिसको कुंडलिनी जागृत हो गई हो और जो पिछली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी छोड़ आया हो, आज तक नहीं हुआ। महाराज आदि गुरु शंकराचार्य जैसे को भी अपनी संन्यास लेने के बाद भी, पहली बात तो बिना मां की अनुमति के संन्यास नहीं लिया, संन्यास लेने के बाद भी अपनी मां को दी हुई कमिटमेंट पूरी करने के लिए वापस जाना पड़ा था। मां ने कहा था wherever you may be, लेकिन अंतिम समय जब मेरा होगा यू हैव टू बी प्रेजेंस बिफोर मी, यू हैव टू बी प्रेजेंट बिफोर मी। और वो पता नहीं भारत के किस कोने में थे, वाराणसी में, वाराणसी से करणी केरला अंतिम छोर तक ही वेंट। क्यों? क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उन्होंने कि मेरी मां ने मुझे कहा है कि अंतिम समय पर तूने मेरे पास होना है। क्यों? क्योंकि योग के द्वारा परम सिद्ध थे आदिगुरु शंकराचार्य, ही न्यू कि टाइम वाइज कैसे प्लानिंग करनी है। आज के जमाने में गाड़ियां तेज बन गई हैं, टाइम मैनेज नहीं हो रहा। आदिगुरु शंकराचार्य के टाइम में सिर्फ यही गाड़ी थी 11 नंबर वाली उनकी। इस 11 नंबर की गाड़ी से चलते चलते वो एग्जैक्ट टाइम के ऊपर अपने मां के पास पहुंच गए, कुछ दिन उसकी सेवा करके कमिटमेंट पूरी की। बिना कमिटमेंट्स पूरी किए, बिना नेसेसरी ऑब्लिगेशन पूरे किए, बिना दुकान फैक्ट्री चलाए, बिना क्रिएटिविटी इनोवेशन किए, बिना दुनिया के लिए सेवा दिए, बिना पत्थर कपड़ा बेचे, आपको सिद्धियां मिल ही नहीं सकती। ये गीता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। किसी को भी अगर वो कहे मैं सारे काम छोड़ के आज माला पकड़ लूं, तो किसी के बाप के बस का नहीं कि उसको सिद्धि दिलवा दे। ये सारे ऑब्लिगेशंस पूरे करने पड़ेंगे, एवरीथिंग हैज टू बी कंप्लीटेड। जब तक पूरे नहीं हो जाते तब तक वो नहीं होता, तब तक मनुष्य को आगे बढ़ना पड़ता है। तो जो कोई भी समझता है कि ये टंटा है, तो भाई साहब टंटा नहीं है, ये रास्ता ही यही आपके लिए। इसको हंस करके अगर करोगे तो हो सकता है कि पवित्रता जल्दी आए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अच्छी तरह निपटें, और अच्छी एक्सेलेंस ऑफ सर्विस से हम आगे बढ़ें, ज्यादा उत्कृष्टता हम में आए, कुछ गति तेज हो जाए। पर जो समझता है कि इससे नहीं होने वाला, भ्रम पाल लिया जिसने मन में कि केवल माला पकड़ने से ही और केवल मेडिटेशन से ही मेरा कल्याण होने वाला है, होने वाला। क्यों? क्योंकि भीतर के संस्कारों को धोने के लिए कर्म की आवश्यकता है। दिखने वाली दुनिया आंख बंद करने के बाद छोड़ती नहीं है महाराज, भीतर आके बार बार तंग करती है। और जिस व्यक्ति के भोग पूरे हो जाते हैं, धीरे धीरे उसका योग भी सिद्ध होना आरंभ हो जाता है। क्योंकि बिना भोग पूरे किए भी योग में स्थिरता नहीं है। आंख बंद करने वाला अंदर क्या कुछ कर रहा है, हु नोज, क्या हो रहा है अंदर, यू डोंट नो, यू रियली डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड। वो दुखी है अंदर बेचारा, नहीं मालूम उसको। इसीलिए कहा योग संसिद्धि, और यहां योग संसिद्धि जिस शब्द को कहा गया है वो कर्म योग के प्रकाश में है, एक्टिविटीज के प्रकाश में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसलिए इसको और बढ़ चढ़ के पूरी सकारात्मकता से, पूरे जोश के साथ, पूरे समर्पण के साथ अपने कर्मों को पूरा करना है, ताकि वो प्रोसेस एक्सेलरेट हो जिसके द्वारा मनुष्य को सिद्धि प्राप्त हो सकती है। योग की उस पराकाष्ठा को पहुंचना है तो इस जीवन की सारी चीजों को बहुत आनंद के साथ, हमें एक्सीलेंस के साथ पूरा करना पड़ेगा। और श्रीमद् भगवद गीता का यह संदेश कोई छोटा संदेश नहीं है, बहुत गहरा संदेश है। नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विंदन्ति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप आत्मा में पा लेता है। ये रहा श्लोक नंबर 38। अगली बार
श्लोक नंबर 39 पर हम लोग अपनी यात्रा आगे बढ़ाएंगे। 42 श्लोक कुल हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 के। मुश्किल से 4 श्लोक और बाकी हमारे बचे हैं। इन 4 श्लोकों के उपरांत अध्याय 5 श्रीमद् भगवद गीता आरंभ हो जाएगा, और उसके लिए जो प्रणाली निर्धारित की गई है उसी के अनुरूप हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। ओम शांति 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 ओम।